नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रेडिट टीवी और मैं सुनील नारनोलिया स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल सारा देश स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। ऐसे में एक पुनरावलोकन की बहुत आवश्यकता महसूस होती है। आवश्यकता महसूस ये होती है कि आजादी जो ली गई वो किस तरह से ली गई और उसमें किसका कितना योगदान रहा। देखने वाली बात यह होती है कि जब ये लड़ाई लड़ी गई थी उसके अंदर एक नरम दल थे और एक गर्म दल था, दो तरह के दल थे और उन्होंने अपने अपने तरीके से आजादी के लिए जी जान से मेहनत की। लेकिन हुआ क्या कि जैसे जैसे राजनीति परवान चढ़ती चली गई उसी के साथ साथ में समस्या ये होती आई कि महापुरुष थे वो राजनीतिक दलों के महापुरुष होकर रह गए, क्योंकि वो तो जमाना छोड़कर चले गए थे लेकिन लोगों ने उसे अपने राजनीतिक महत्व के लिए जोड़ना शुरू कर दिया। जबकि ये लोग भूल गए कि किसी भी कालखंड के महापुरुष किसी राजनीतिक महत्व का मुद्दा नहीं होते हैं, वो राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा होते हैं। ऐसी ही एक चर्चा आजकल चलती है महात्मा गांधी जी को लेकर, तो जरूरी ये हुआ कि एक बार उसके ऊपर ही पुनर्विचार किया जाए। मेरे सामने कुछ दिनों पहले एक पोस्ट था, ये पोस्ट में क्या था कि एक पिस्टल रखी हुई है उसके ऊपर लिखा हुआ था कि और लोग कहते हैं कि आजादी चरखे से मिली। तो एक सवाल दिमाग के अंदर आया, तो क्या सारी की सारी आजादी रक्तपात करके ही मिली थी, अहिंसा का कोई योगदान नहीं रहा? क्या सारी की सारी आजादी गर्म दल ने ली? क्या नरम दल ने कोई भी अपना योगदान नहीं दिया? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों को लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आजकल सोशल मीडिया का दौर, सोशल मीडिया के दौर में सबसे बड़ी समस्या जो मुझे लगती है वो आती है ऑथेंटिसिटी की, ऑथेंटिसिटी की, प्रामाणिकता की, जिसके मन में जो आता है वो अपना ज्ञान लगाने लग जाता है। किसी को समझ नहीं होती कि उसके पास उतनी रिसर्च है या नहीं है। सोशल मीडिया के युग में एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि यहाँ पर बहुमत की चलती है कि एक ही पोस्ट आप 100 वॉल से शेयर कीजिए और वो सच लगने लग जाती है, लोगों की मान्यताएं बदल जाती हैं। साथ ही साथ में राजनीतिक दल अपनी रोटियां और सेक रहे हैं, तो ऐसे में जरूरत हो जाती है कि बात जब राष्ट्रीय महत्व की आए, राष्ट्र के सम्मान की आए, तो जो गुणीजन हैं उनको बैठकर चर्चा अवश्य ही करनी चाहिए। तो आज इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ ऐसे गुणीजनों को आमंत्रित किया जिनके जरिए हम इसके ऊपर सार्थकता के ऊपर चर्चा कर सके। आज हमने ऐसे लोगों से संवाद करने की कोशिश की है जिनकी गवाही समय ही नहीं समाज भी देता है। तो चलिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और आपको रूबरू करवाऊंगा उन महापुरुषों से, उन कहीं आज के युग के जो गुणियों से, गुणीजनों से, विद्वजनों से, जो कि इसके ऊपर से पर्दा उठाने वाले हैं कि महात्मा गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या सहयोग रहा और किस तरह से उन्होंने किया। तो मुझे लगता है कि मुझे इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मेरे सहयोगी मन संचालक डॉक्टर राकेश कुमार जी को आमंत्रित कर लेना चाहिए। राकेश जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। और अब वो कहते हैं ना कि अब वतन तुम्हारे हवाले साथियों, तो आगे का मन संचालन आप करें और मुझे आज्ञा दें। मैं थोड़ा स्क्रीन के पीछे जाता हूं और देखिए। शुक्रिया सुनील जी, सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और आज हम एक ऐसी चर्चा को लेकर उपस्थित हुए हैं जो हमें गांधी के विचारों से, गांधी की पद्धतियों से, गांधी की जीवन शैलियों से रूबरू करवाती है। जी हाँ, गांधी जी जीवन का एक अमिट रूप है। गांधी जी को न केवल हिंदुस्तान अपितु पूरा विश्व अभिनंदित करता है, उनके विचारों को फॉलो करता है। आज हम ऐसे ही विचारों को लेकर एक संगोष्ठी कर रहे हैं, महात्मा गांधी एवं राष्ट्रीय आंदोलन। क्या कारण, क्या परिस्थितियां और मन की वो उद्गार जो गांधी जी हमेशा अपने हृदय में संजो के रखते थे, अहिंसा, ये एक ऐसा तत्व है जिसे गांधी जी को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली। और चरखा एक, भले ही ये रूप एक अलग तरीके का है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अहिंसा और गांधी, अहिंसा और चरखे और इन सब पद्धतियों को लेकर जो जो निखार जो सामने आता है वो निश्चित रूप से भारत की आजादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय थे। आज ऐसे ही विषयों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर नरेश दादीश जी। मैं नरेश दादीश जी का स्वागत करता हूं। सर प्रणाम, अभिनंदन, और बहुत खुशी हो रही है कि जिस सर को मैं अपने विचारों में, अपनी पद्धति में फॉलो करता हूं, वो सर एक बड़े, खुद एक गांधीवादी विचारक हैं, गांधी जी के बड़े विद्वान हैं। दोस्तों, नरेश सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है,
प्रोफेसर नरेश दादीज राजनीति शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान हैं। आप गांधी अध्ययन के विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। आप न केवल विचारों से अपितु आचरण से भी गांधीवादी हैं। गांधी को आपने जिया है और जी रहे हैं और निरंतर अपने विचारों, लेखों, पुस्तकों से हमें लाभान्वित करवा रहे हैं। आप वर्धमान कोटा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। आपने अपने कुलपतित्व के दौर में बहुत ही सराहनीय कार्य करवाए, गांधी जी पे बहुत अच्छा अध्ययन और अध्यापन करवाया और आप वर्षों तक राजस्थान विश्वविद्यालय के गांधी अध्ययन केंद्र के निदेशक रहे और गांधी जी के विचारों को आपने एक शिखर तक पहुंचाया। इसके अलावा गांधी जी के ऊपर आपकी बहुत सी पुस्तकें प्रकाशित हैं जिनको पढ़कर विद्यार्थी, शोधार्थी अपने शोध को, अपने अध्यापन को एक बल देते हैं। आपकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तकों में महात्मा गांधी का चिंतन, कंटेम्परेरी पॉलिटिकल थ्योरी, समसामयिक राजनीतिक सिद्धांत, गांधी कथा, 500 ट्वीट्स, ये आपकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इनके अलावा और भी बहुत किताबें हैं जिन पर चर्चा की जाती है और जिन पर निरंतर शोध भी हो रहे हैं। इनके अलावा आपकी 16 किताबें प्रकाशित हैं और ये अब तक नरेश सर का एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा लेखक हमारे सामने था जो राजनीतिक विचारक थे। लेकिन इसके अलावा मैं अपने दर्शकों को, अपने शोधार्थियों को, अपने मित्रों को एक रूप सर का और रूबरू करवाता हूं कि सर बहुत अच्छे कवि भी हैं। सर की कविताएं निरंतर फेसबुक पेज पर, पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती हैं और वो कविताएं कहीं ना कहीं समाज के सरोकारों को जोड़ती हैं। आपके प्रमुख कविता संग्रह में पांव बने हैं बादल मेरे, मौन के क्षण, दूसरा आकाश, और इन सब चीजों के साथ साथ आप सामाजिक और साहित्यिक सरोकारों से भी जुड़े रहे हैं। आपकी अपनी एक संस्था जयपुर पीस फाउंडेशन जो आज इस प्रोग्राम के संयुक्त तत्वावधान में भी है, उस प्लेटफॉर्म पर सर ने बहुत बड़े प्रोग्राम करवाए हैं। उन्हीं प्रोग्रामों की श्रृंखला में एक प्रोग्राम है साहित्य सप्तक, जिसे निरंतर आप दिशा निर्देश देते रहते हैं, आप प्रोग्राम करते रहते हैं। इन प्रतिभाओं के धनी प्रोफेसर नरेश दादी जी, चूंकि अकादमिक कार्यों में आपकी तल्लीनता वर्षों से देखी जाती है, आपके देश विदेश में आपकी किताबों को संदर्भ ग्रंथ के रूप में लिया जाता है। आपने नीदरलैंड, यूएसए और भी कई विश्वविद्यालय में आपने अतिथि प्रोफेसर के रूप में आपने वहां अध्यापन कराया। मैं प्रोफेसर नरेश दादी जी का अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं और सर आज के मुख्य वक्तव्य के रूप में आप आमंत्रित हैं हमारे शोधार्थियों को, हमारे दर्शकों को, हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं। सर प्रोफेसर नरेश दादी जी, पहली बात तो आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? जी आ रही है, आवाज आ रही है सर। धन्यवाद, जो आज का कार्यक्रम आपने आयोजित किया इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। फारूक अफरीदी जी, बजरंग सैनी जी, राकेश जी और सुनील जी, आप सब लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। गांधी पर बात करना तो हमेशा मुझे अच्छा लगता ही है और जो कल हम स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं उसके संदर्भ में बात करने का विशेष प्रयोजन आप लोगों का है। मैं कोशिश करूंगा कि किस तरह से हम बातचीत करें कि गांधी को राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका थी। आजकल आज का जो समय है उसमें राष्ट्रीय आंदोलन को, गांधी को तो भूलने की कोशिश कर ही रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन को भी भूलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इधर देख रहा था तो वो कुछ लोग जो कि किसी समय माइनॉरिटी में थे आज मेजोरिटी में हैं, जो मानते हैं कि 15 अगस्त का महत्व को कम कैसे किया जाए। गांधी के महत्व को तो कम करें ही, हम 15 अगस्त के को भी महत्व को कम किया जाए, असली आज़ादी तो आई नहीं, वो अब आने वाली है, ये पता नहीं कब आएगी। तो ऐसे समय में ऐसा प्रोग्राम करना बहुत ही ज़रूरी है कि हम नए पीढ़ी के लोगों को विशेष रूप से ये याद दिलाएं कि राष्ट्रीय आंदोलन का क्या महत्व था और उसमें गांधी की क्या भूमिका थी, क्योंकि आज गांधी की भूमिका को नकारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नकार नहीं पा रहे हैं तो गांधी को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
यानी अपनी तरह से उसकी व्याख्या कुछ भी कर लो, उसमें से गांधी की, गांधी ने बहुत कुछ लिखा है और बहुत कुछ किया है। अब आप जो उसने 1.5 करोड़ शब्द लिखे हैं उनमें से कोई भी 2 शब्द आप पकड़ लो और उसके आधार पर अपनी व्याख्या उसमें कर लो, तो उसको कौन रोकेगा? नहीं, गांधी जी ने कहा है, गांधी जी ने लिखा है। तो आज के संदर्भ में जब गांधी की जो मूल भावना थी उसको चैलेंज किया जा रहा है, उसको समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, उसी प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन के महत्व को कम किया जा रहा है। नए नए प्रकार के त्यौहार मनाए जा रहे हैं, नए नए प्रकार के जैसे कह सकते दिवस मनाए जा रहे हैं, और जो मूल दिवस थे जिनके आधार पर, अगर मैं तो उतना बड़ा नहीं उम्र में, लेकिन हमारे पिताजी वगैरह बताते थे जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद में बचपन में जब 15 अगस्त आता था तो सब जने ने अपने झंडा लेकर प्रभात फेरी लगाते थे, दिन भर त्यौहार बनता था, मिठाइयाँ बनती थी और एक दूसरे को बधाइयाँ देते थे कि हम आज आज़ाद हो गए। वो जो आज़ादी का जो एक जश्न मनाया जाता था 1950 के दशक में, 60 के दशक के शुरू तक, वो धीरे 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 समाप्त होता गया। आज बिल्कुल औपचारिकता रह गई है, 15 अगस्त झंडा फहराना है, क्योंकि हम 2-3 जनरेशन से हमें पता ही नहीं है कि गुलामी क्या होती है। हम सोचते हैं कि सब लोग आज़ाद होते ही हैं, गुलामी की कहानियाँ वैसे ही जैसे कोई अकबर के ज़माने की और औरंगजेब के ज़माने की कहानियाँ कह रहे हैं। तो ये प्रोग्राम जो आप कर रहे हैं इसका बहुत महत्व है। जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ उसको कई तरह से देखा जा सकता है। पहली बात तो ये है कि हमें ये मानना होगा, सोचना चाहिए कि अंग्रेज़ों ने इतने वर्षों तक हमारे यहाँ राज कैसे किया, 200-300 वर्षों तक हमारे यहाँ राज किया, जबकि हमारे, हम सब जानते हैं व्यक्तिगत रूप से जो यहाँ के राजा थे वो सब शक्तिशाली थे। युद्ध की कहानियाँ हम लोग सुनाते हैं कि वो कितने बड़े बड़े राजा थे, कैसे युद्ध करते थे, कैसे अपने जीवन को न्यौछावर कर देते थे, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ पर राज किया और उसको राज करने का सबसे बड़ा कारण, 2 कारण थे जिसको गांधी जी ने समझा। सबसे पहली बार पहला कारण तो ये था कि उन्होंने देखा कि इस देश में आपस में एक दूसरे के अलग अलग समूह बने हुए हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, प्रजाति के आधार पर, और उनको आपस में लड़ाना बहुत आसान है, या उनकी सोच इतनी संकुचित है कि उन्हें पता ही नहीं देश का क्या अर्थ होता है, देश का अर्थ का कोई मतलब ही उन्हें नहीं पता। तो आप देखेंगे कि अंग्रेज जो यहाँ पर आए और उन्होंने राज किया तो अपने साथ कोई 1 लाख लोगों की फौज लेके नहीं आए थे, 2-4 हज़ार लोग आए थे, उन्होंने यहीं के लोगों को यूज़ किया एक दूसरे के खिलाफ। तो सबसे पहला कारण, जो भारत गुलाम रहा अंग्रेजों का बहुत वर्षों तक, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि हम लोग छोटे छोटे समूहों में बटे हुए थे। उसके आधार कुछ भी हो सकते हैं, क्षेत्र थे उसके आधार, भाषा थी, धर्म था, बहुत से आधार थे। दूसरी बात, उन्होंने आकर यहाँ की जो अर्थव्यवस्था और शैक्षणिक व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। हम सब जब बात करते हैं तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जब आए वो, तो जो उनका सबसे बड़ा विचारक जो माना जाता है, जेम्स मिल ने एक पुस्तक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो क्लासिकल टेक्स्ट मानी जाती थी, जिसको ICS ऑफिसर्स को पढ़ाया जाता था, 1817-18 में उसने किताब लिखी थी जेम्स मिल ने, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसने कैसे डिवाइड किया हिस्ट्री को, जो बहुत वर्षों तक तो पढ़ाया गया आज़ादी की बात तक, अब उसको हम चेंज करने लगे। उन्होंने कहा भारत का इतिहास के 3 आधार हैं, 3 टुकड़े। एक तो है जिसे वो कहते हैं कि हिंदू राज, हिंदू समय था, दूसरा समय था मुस्लिम समय था, और तीसरा समय था वो ब्रिटिश समय था, यानी ये नहीं कहा क्रिश्चियन समय था। 2 भागों को, जो एंशियंट इंडिया जिसे हम कहते हैं उसको तो कहा हिंदुओं का समाज था, समय समय था, जिसे हम मध्य युग कहते हैं उसे वो कहते थे मुसलमानों का समय था, और बाद में ब्रिटिश समय आया। तो यानी अपने समय को उन्होंने, ये नहीं कहा क्रिश्चियन का समय आया, उन्होंने कहा ब्रिटिश समय आया। तो उन्होंने सबसे पहले इतिहास में ये विभाजन करने की कोशिश की कि हिंदू अलग थे, मुस्लिम अलग थे, और हम आए जो सेक्युलर हैं तो हम तो ब्रिटिशर्स हैं, हम क्रिश्चियन नहीं हैं। जबकि आज जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक एंशियंट पीरियड था, एक मेडिवल पीरियड था, और एक आधुनिक पीरियड है। उसमें कौन राजा राज करते थे, हर समय पे हर राजा के अपने अपने धर्म होते हैं, अपने अपने अपनी अपनी इच्छाएँ होती है, अपनी अपनी इच्छाएँ होती है, बुराइयाँ होती है, वो अलग है। उसके बाद यहाँ पर शासन करने के लिए जो शिक्षा प्रणाली लागू की गई उसमें कहा गया, आप सब जानते हैं उसको, कोट करते रहते हैं, कहते रहते हैं उस शिक्षा प्रणाली से हमको अलग होना है, आज तक तो हम अलग हुए नहीं शायद, कि हमें ऐसे लोग पैदा करने हैं भारत में
जो अंग्रेजी जानते हो, जो अंग्रेजी भाषा को अच्छा मानते हो, महत्वपूर्ण मानते हो, और उनको इतनी शिक्षा दी जाए जिससे कि वो अंग्रेजी सीखकर हमारी जो आज्ञाएं हैं उनको जनता तक पहुंचा सके। यानी गुलामी कैसे करे भारतीय, उनको पर राज करने के लिए हमें जो इंटरमीडियरी चाहिए उनको क्रिएट करना है। ये बात भारत में जो एजुकेशन पॉलिसी लगाई गई उसके अंतर्गत ही माना गया, ये आज भी है। आज भी हम अंग्रेजी भाषा को मानते हैं कि ये तो जो पढ़ता है वो तो एलीट क्लास का विजन वर्ग का है, और जो हिंदी पढ़ता है, आंचलिक भाषा पढ़ता है, वो तो गरीब लोग और जो जिन पर शासन करना है शासित लोगों की भाषा है मुख्य रूप से। तो ये जो दो बातें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अंग्रेजों ने जो राज किया यहाँ पर, एक तो उन्होंने देखा कि इनको ये छोटे छोटे समूहों में बटे हुए हैं, और दूसरा देखा कि इनकी शिक्षा और आर्थिक व्यवस्था को तहस नहस कर दो तो ये गरीब और अशिक्षित रहेंगे, तो इन पर शासन करना बड़ा अच्छा होगा, आसानी होगा, और यहाँ से शोषण करके जो दादा भाई नौरोजी ने जो कहा था अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, और जो यहाँ से ड्रेन थियरी जो उन्होंने बताई थी कि यहाँ से सारा कुछ आप जो है ब्रिटेन में ले जाइए, जो आर्थिक जो यहाँ का लाभ है उसको ले जाइए। अब ये जो बातें थी ये बड़ी चतुराई से उन्होंने लागू की, और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी तब उन्होंने, उस समय तक इतनी चेतना नहीं थी, उस समय उन्होंने कहा कि हम कम से कम ये तो करें कि आप जो बात कह रहे हैं, जो शासक वर्ग कह रहा है और जो शासित वर्ग है, इसके मध्य में कोई बातचीत तो हो, कोई संबंध तो स्थापित हो, उस संबंध को स्थापित करें और धीरे धीरे अपनी अपनी डिमांड्स को, अपनी मांगों को शासक वर्ग तक पहुँचाएं कि हमको ये तकलीफें हैं, इसके लिए एक राजनीतिक दल यहाँ पर सामने आया। ये काम करता रहा, धीरे धीरे इससे चेतना बढ़ती रही। जब गांधी यहाँ पर आए 1915 के, तो आपको पता होगा कि गांधी जब यहाँ पर आए थे तब तक दक्षिण अफ्रीका में बहुत सफल राजनेता के रूप में वो स्थापित हो चुके थे, और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उनसे कहा कि आप जो दक्षिण अफ्रीका में सीखा है उसको ऐसे के ऐसे भारत में लागू नहीं कर सकते, यहाँ की जनता अलग है, दक्षिण अफ्रीका की जनता अलग थी, वहाँ की समस्याएँ अलग थी, यहाँ की समस्या अलग है। आपके साधन बहुत अच्छे थे, बहुत सही थे, शुद्ध थे, लेकिन यहाँ पर आकर आप पहले भारतीय जनता को पहचानिए, क्योंकि आपने भारतीय जनता को देखा ही नहीं। आप जब 16 साल के हुए तब तो आप इंग्लैंड चले गए, वहाँ से आप अफ्रीका चले गए, आप तो भारत में रहे नहीं, आपको पता ही नहीं भारत क्या है। इसलिए एक साल तक कम से कम आप भारत में घूमिए और थर्ड क्लास टिकट में जाइए, फर्स्ट क्लास में जाइए, और देखिए यहाँ की जनता क्या है वास्तव। तो 1916 में गांधी ने पूरे देश की यात्रा की, और उस यात्रा करने से उसको समझ में आया जो मैं दो बातें आपको बता रहा हूँ। ये बातें गांधी ने सबसे पहले समझी कि भारत में अंग्रेजों का राज इसलिए चल रहा है कि हम आपस में एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पर युद्धरत रहते हैं, और हमारी स्थिति दिनों दिन हम गरीब होते जा रहे हैं और अशिक्षित होते जा रहे हैं। ऐसे लोगों को संगठित करना, और जो अशिक्षित हैं, जो गरीब हैं, और जिनका सोच बहुत छोटी छोटी होती जा रही है, उनको अगर हम संगठित कर पाएंगे तो हम इस शासन का मुकाबला कर पाएंगे। ऐसे लोगों को संगठित कैसे किया जा सकता है? ऐसे लोगों को संगठित शस्त्र के माध्यम से नहीं किया जा सकता, तलवारों के माध्यम से नहीं किया जा सकता। ऐसे लोगों को संगठित करने के दो ही तरीके हैं सिर्फ। एक तो यह है कि चूंकि ये इतने कमजोर हैं कि ये शस्त्र नहीं उठा सकते, इसलिए अहिंसा का साधन हमें काम में लेना होगा। लेकिन अहिंसा का साधन काम में लेते समय इनमें ये आत्मविश्वास भरना जरूरी है कि अहिंसा सही है और उसके लिए हम मरने को तैयार हैं। तो वो कब पैदा होगा ये आत्मविश्वास? जब वो ये देखें कि हमारा जो नेता है वो इस अहिंसा के लिए मरने को तैयार है, वो दूसरों को उकसाकर आगे भेजने। आप देखिए जितने भी युद्ध होते हैं जिसमें शस्त्र का प्रयोग होता है उसमें सेनापति कभी आगे नहीं होता, सेनापति सबसे लास्ट होता है, वो पीछे से संचालित करता है कि पहले पैदल मरेंगे, फिर घोड़े वाले मरेंगे, फिर हाथी वाले मरेंगे, और बाद में वो आएगा अंत में मरने के लिए। गांधी ने बिल्कुल उल्टा किया, उन्होंने कहा कि अगर सत्याग्रह होगा तो सबसे आगे मैं जाऊंगा, सबसे पहले मैं गिरफ्तार होऊंगा, सबसे पहले यातना मैं सहूंगा, और जब मैं आत्मविश्वास से इसको इसका सामना कर पाऊंगा तब मेरे पीछे हजारों की भीड़ मेरा सामना कर पाएगी, मेरे साथ चलेगी। तो गांधी ने एक वर्ष तक
पूरे देश को घूमकर ये निष्कर्ष निकाला कि हमें इस राज्य से लड़ाई करने के लिए सबको अपने छोटे छोटे मतभेद छोड़कर एक होना जरूरी है। मतभेद क्या है? धर्म के आधार पर मतभेदों को समाप्त करो, वो विचारों के आधार पर जो मतभेद हैं उनको समाप्त करो, जातियों के आधार पर जो मतभेद हैं उनको समाप्त करो, भाषाओं के आधार पर मतभेद हैं वो समाप्त करो। तो आप देखेंगे कि ये जो उसकी सोच थी उसके आधार पर उसने बहुत से नए आविष्कार किए, जो आज खादी की बात करते हैं और जो आप चरखे की बात करते हैं वो भी इसी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, अहिंसा भी इसी में कंट्रीब्यूट कर रहा है कि सब लोग खादी पहने, खुद ही काते हैं खुद ही पहने, ये सबसे सरल है, हर आदमी कर सकता है, गरीब से गरीब व्यक्ति कर सकता है। और उसको पहनना चाहिए, उसको किसको पहनना चाहिए? उसको पहनना चाहिए जो स्वयं व्यक्ति है वही पहने, जो नेता है वो पहने सबसे पहले। इसलिए उन्होंने जैसा वो चाहते थे सोचते थे करना चाहिए एक साधारण आदमी को, वैसा पहले उन्होंने खुद को किया। और 1920 के बाद में आप जानते हैं, इसलिए उन्होंने खादी पहनना शुरू किया। इसके बाद में बहुत से व्रत उन्होंने रखे थे, वो सारे व्रत उनके थे जो उनको ये आत्मविश्वास क्रिएट करते थे उनमें और जनता उसमें विश्वास करती थी। तो उन्होंने इसलिए बहुत से खिलाफत आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया, उससे आरंभ किया अपना। उन्होंने जो 2-3 आंदोलन बाद में किए, नमक सत्याग्रह किया, भारत छोड़ो आंदोलन किया, इन सब में एक बात आप ध्यान रखें, आप कभी गांधी आपने पढ़ा हो या और पढ़ेंगे आप, 1.5 करोड़ शब्द गांधी ने लिखे हैं, उसमें एक भी जगह ये नहीं लिखा है कि किसी की आलोचना, अपने विरोधियों की कभी आलोचना नहीं की। उन्होंने सिर्फ ये कहा मेरा रास्ता ये है, आप मेरे साथ आइए, नहीं आते हो तो मैं अकेला ही चलूंगा। 1942 में जब आंदोलन हुआ भारत छोड़ आंदोलन, तो यहाँ के जितने भी कम्युनिस्ट थे वो उसके खिलाफ थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसमें ये आंदोलन ब्रिटिशर्स जो हैं ये जर्मनी से लड़ रहे हैं, और इसलिए और सोवियत यूनियन से तब तक झगड़ा शुरू नहीं हुआ था, इसलिए हम इनके साथ क्यों हों, हम ब्रिटिशर्स का साथ क्यों दें, ये तो इंपीरियलिस्ट हैं, इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन का हम साथ दें। हम भारत छोड़ो आंदोलन का साथ क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हम जो रूस है वो ऐसा नहीं कर रहा है। जो राज्य थे राइटिस्ट थे उन्होंने कहा था हम साथ नहीं देंगे, क्योंकि ये तो भारत, तो ये जब तक अंग्रेज जो है ये नहीं कहे कि हिंदुओं का राज होना चाहिए तब तक हम इनका साथ नहीं देंगे, जैसे हमारा हमको सपोर्ट मिलता है। लेकिन गांधी ने कभी भी इनकी आलोचना नहीं की, उन्होंने कभी नहीं कहा कम्युनिस्ट गद्दार है, कम्युनिस्ट राष्ट्रद्रोही है, कभी नहीं कहा आरएसएस राष्ट्रद्रोही है। उन्होंने सिर्फ काम क्या किया कि मेरे को ये रास्ता मंजूर है, और इस वो रास्ता वो है जिसमें सब तरह के लोग आ सकते हैं। तो आप देखेंगे जो कांग्रेस पार्टी थी जो बनी थी और जो आज भी कुछ हद तक उसको स्वीकार करती है कि जिसमें ये कोई कैडर, जिसे कहते हैं कैडर बेस्ड पार्टी, नहीं है तो कैडर है ही नहीं, देश की कांग्रेस है जो गांधी ने क्रिएट किया था। सब तरह के लोग उसमें होंगे, सब तरह के मतभेद भी उसमें होंगे, लेकिन जो मूल उद्देश्य है उसको लेकर सब लोग साथ रहेंगे। इसलिए ये जिसे दूसरे राजनीतिक दल जितने भी हैं उनमें कैडर बेस्ड होता है, कैडर बनाइए, कैडर बनाने की कोशिश नहीं की, जो कैडर बनाने का अर्थ ही है कि आप एक जनता से अलग एक ऐसे कुछ विशिष्ट लोग बना रहे हो जो आपके राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, जबकि हमारा राजनीतिक दल तो वो है जिसमें जनता का हर आदमी आ सकता है, हर आदमी रह सकता है, क्यों, हम तो उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो गांधी का जो महत्व है राष्ट्रीय आंदोलन में वो ये है कि उन्होंने, और वो सफल इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने इस देश में व्याप्त जितने भी मतभेद थे उन मतभेदों को छोटा किया और एक बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लोगों को एकत्रित किया, और वो तभी संभव था जब उसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का लांछन न लगे। इसलिए गांधी का नेतृत्व आप देखेंगे कि वह इस प्रकार का था कि उसमें वह किसी जाति, किसी धर्म, किसी क्षेत्र, किसी भाषा से संबंधित नहीं था। उन्होंने भाषा के ऊपर भी कहा कि हमें हिंदुस्तानी भाषा काम में लेनी चाहिए। हिंदुस्तानी भाषा का क्या अर्थ है? जिस समय गांधी ने ये कहा उस समय हिंदी क्लिष्ट थी, संस्कृताइज थी, उर्दू अरबिक हो रही थी, यानी उसमें भी मतभेद हो रहा था। तो गांधी ने कहा नहीं नहीं ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, भाषा वो होनी चाहिए जिसको हर साधारण व्यक्ति समझ सके, तो वो हिंदुस्तानी है। उन्होंने हिंदी नहीं कहा, उन्होंने कहा हिंदुस्तानी भाषा है जिसमें आदमी बातचीत कर सके। 1916 में लखनऊ में बनारस में जो भाषण देते समय उन्होंने कहा था कि ये जो लोग आप सब लोग बोल रहे हैं अंग्रेजी में और जिनके लिए बोल रहे हैं उनको तो समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हो, और आप कह रहे हो हम आपके हितों की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं तो उसी भाषा में बोलूँगा जिस भाषा में समझ सकते हो,
इनको मालूम तो पड़े जनता को कि हम क्या बात कह रहे हैं, हम शासक को क्या कहने वाले हैं, ये तो इनको मालूम पड़े। तो उन्होंने भाषा भी साधारण रखी जिसमें कोई मतभेद ना हो, जिसमें सब लोग जिससे सम्मिलित हो सके, बांग्ला वाला भी इसमें आ सके, राजस्थानी वाला भी आ सके, और मराठी भी आ सके, और तमिल भी आ सके, सारे देश में जितनी विभिन्न भाषाएं हैं वो सब हिंदुस्तानी को स्वीकार करें। और हिंदुस्तानी का अर्थ हिंदी को इम्पोज करना नहीं है, ना उर्दू को इम्पोज करना है, इसका अर्थ सिंपल ये है कि हम साउथ का व्यक्ति, तमिलनाडु का व्यक्ति भी पंजाबी से बात कर सके, मराठी भी बंगाली से बात कर सके, दोनों एक दूसरे की भाषा समझ सके, वही भाषा राष्ट्रीय भाषा है। ऐसी खादी पहने जिसको बंगाल का व्यक्ति भी अपने आप पहन सके, जिसको केरल का व्यक्ति भी पहन सके, और जिसको कश्मीर का व्यक्ति भी पहन सके, जो एक जैसा हो सब जगह। जो न्यूनतम जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो न्यूनतम हमारा जुड़ाव है, उस जुड़ाव से संबंधित हमारी वेशभूषा होनी चाहिए, हमारी भाषा होनी चाहिए, हमारे विचार होने चाहिए। तो गांधी का जो महत्व है कि गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन में क्या किया, आजकल तो बहुत से बकवास की जाती है, उसको हम छोड़ें। उनका महत्व ये है कि इतने बड़े देश को, आज देखिए आज अपने देश को चलाना कितना मुश्किल होता जा रहा है, हम रोज देख रहे हैं कि इतने के तनाव बढ़ते जा रहे हैं। आप सोचिए कि ऐसे तनाव, ऐसा नहीं कि तनाव कोई आज पैदा हुए हो, आज भेद भेद आज आज धर्म आज नहीं बने, कोई आज क्षेत्र आज नहीं बने, भाषाएं नहीं हो, कोई आज पैदा नहीं हुई है, ये तो उसमें भी थी जब गांधी था तब। लेकिन गांधी ने इन भेदों को दूर करके और एक साथ लोगों को एकत्रित करके और एक विदेशी जो हमारे ऊपर राज कर रहा था उसके विरुद्ध सबको एकत्रित किया, और उसे एकत्रित करने में सबसे बड़ा सेक्रीफाइस उसका खुद का था, उसकी तो जान भी चली गई, हम जानते हैं उनको तो हत्या ही कर दी गई इसीलिए, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति जो सबको साथ, और भी बहुत से लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन नहीं किया, लोगों ने शस्त्र भी उठाए, लोगों ने बहुत सी बातें करी, लेकिन उन सबका इम्पैक्ट बहुत छोटा था, बहुत कम जगह पर था, कुछ लोगों तक था, पूरे देश के सब लोगों को एक साथ वो नहीं कर सकते थे। वही एकमात्र व्यक्ति थे जिन पर पूरा देश उठता था। एक बात आप लोगों ने पढ़ा होगी, कभी किताब है दुर्गादास की, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू, उसमें उन्होंने एक बात लिखी है कि 1950 के दशक में एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट, गार्जियन का था या किसी का था, वो आया था और उसने नेहरू का इंटरव्यू लिया, और उसने नेहरू से कहा कि आप एक बात बताइए कि जो राष्ट्रीय आंदोलन में आप थे तो आपके साथ जितने भी लोग थे वो सब बहुत महत्वपूर्ण लोग थे, अपने आप में सब बड़े बड़े लोग थे, अब मौलाना आजाद को लें, अब राजेंद्र प्रसाद को लें, अब राजगोपालाचारी को लें, अब पटेल को लें, आप स्वयं जो है आप कृपलानी को लें, आप सरोजनी नायडू को लें, हर व्यक्ति अपने आप में एक बड़ा व्यक्तित्व था। ऐसे समय में जब राष्ट्र, जब गांधी जी 1934 के बाद औपचारिक रूप से कांग्रेस से अलग हो गए थे, और आप जब भी कोई बात होती, कोई ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता आपको 1934 के बाद भी, तो आप कहते हैं कि सबसे पहले गांधी से हाँ भराएंगे, हम जो ये एक्शन लेने वाले हैं, काम करने वाले हैं, गांधी इसमें क्या कहता है, वो इसको स्वीकार करता है नहीं करता है। तो आप वर्धा जाते थे, पवनारावा वर्धा के आश्रम में जाते थे, और वहाँ जाने पर आप देखते थे गांधी जी तो बकरी का दूध निकाल रहे, और आपको कहते थे आप बैठिए आप अपनी समस्या बताते रहो, कहते अच्छा 10 मिनट रुकिए मैं अभी बकरी का काम करके आता हूँ। तो कोई जो नए लोग उनके साथ होते वो बड़े नाराज होते, हाँ हम तो दिल्ली से सारा काम छोड़ के यहाँ पर आए इनसे बात करने के लिए, और ये तो बकरी का दूध निकालने चले गए। तो कहते नेहरू कौर उनको, आप या काय को आए हो, क्या कर रहे हैं, हम खुद ही निर्णय ले सकते हैं। तो नेहरू उनको कहते युवाओं पर, भाई आप चुप रहो यार, आप गांधी जी को नहीं जानते हैं, बैठे हो यार थोड़ी देर में गांधी जी आएंगे, अपने आप बता देंगे। तो उनसे पूछा गया नेहरू से कि आपको अपने हर निर्णय को गांधी से सहमति दिलवाने की क्या आवश्यकता थी, जबकि आप सब लोग स्वयं इतने समर्थ थे, इतने शक्तिशाली थे, इतने महत्वपूर्ण थे, अपने आप का सबका व्यक्तित्व था अपने आप। तो नेहरू ने हंसकर कहा कि हम जितने भी आप जो बात कह रहे हो बिल्कुल सही है, हम सब लोग बहुत ही शक्तिशाली लोग हैं, हमें पता है, लेकिन हम सब में और गांधी में एक अंतर है, उस अंतर को हम अभी तक पाट नहीं सके। वो अंतर क्या है? वो अंतर ये है कि जब हम कोई निर्णय लेते हैं हम सब में मिलकर, और उस निर्णय की घोषणा करते हैं जिसमें गांधी सम्मिलित नहीं है, गांधी की हाँ नहीं है, तो जनता हम पर विश्वास नहीं करती है, जनता डाउट करती है, तो ये जो निर्णय लिया है इसमें कहीं इनका खुद का तो स्वार्थ नहीं है कोई, हमको कह रहे हैं हड़ताल करो, क्यों करें हड़ताल, क्यों हम डंडे खाएं, ये क्या पता क्यों कह रही है। और जब गांधी
हाँ भरता है और गांधी जब कहता है हाँ डंडे खाने हैं तो सब लोग आ जाते हैं। तो गांधी पर पूरे देश का विश्वास है, हम पर पूरे देश का विश्वास अभी हम नहीं करवा पाए। हम मेहनत करते हैं लेकिन हम अभी नहीं करवा पाए, ये बहुत बड़ा अंतर है जो आज भी हम में। तो ये अंतर क्यों है? क्योंकि गांधी ने इस देश की नब्ज को पहचाना। गांधी ने कहा कि हमें सबसे गरीब, सबसे अनपढ़, सबसे आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति की तरह उसकी तरह सोचना है और उसकी तरह सोच के हमें इसका इसका इतनी बड़ी सत्ता का विरोध करना है। अब देखेंगे, इसलिए जो सत्याग्रह का जो उन्होंने उपयोग किया वो 1950 के बाद में आज तक, तब तो सिर्फ भारत तक ही था वो। और आप जानेंगे बड़ा आश्चर्य की बात है कि उनको 3 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया, 4 बार, और नोबेल प्राइज क्यों नहीं दिया? उसमें क्या अड़चन आ रही थी? एक ही अड़चन थी, उन्होंने कहा साहब ये गांधी जो है राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए अपने इस अहिंसा का उपयोग कर रहे हैं, और नोबेल प्राइज मिला जाता है ह्यूमैनिटी के लिए, सारी मानव जाति के लिए काम करे तब नोबेल प्राइज दिया जाता है, किसी पर्टिकुलर राष्ट्र के आप आंदोलन कर रहे हो उसके लिए नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता, बिकॉज नोबेल प्राइज मानवता के लिए है, किसी राष्ट्र के लिए नहीं है। तो ये ऑब्जेक्शन लगाया गया, हालांकि जिन्होंने लगाया बाद में पछताए, उन्होंने कहा हमने गलत लगाया था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी है गांधी, तो वो तो अपने राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए सारे काम कर रहा है, मानवता के लिए कहाँ काम कर रहा है। गांधी ने कहा कि मेरा जो मैं मानवता के लिए काम करता हूँ, लेकिन पहला स्टेज ये है कि राजनीतिक रूप से स्वतंत्र तो हो। इसलिए गांधी जब जिस दिन स्वतंत्रता थी 15 अगस्त था उस दिन वो वहाँ थे नवाखली में, झंडा फहराने नहीं गए, और ब्रिटिश बीबीसी वाला जब पहुँचा उनके पास, अब आपको संदेश दीजिए आज देश आज़ाद हुआ, सब जगह घी के दिए जलाए जा रहे हैं, आप तो कहिए आप तो उम्र भर इसीलिए लड़े हो। तो उन्होंने कहा मैं तो एक कम्युनल राइट्स हो रहे हैं इसमें लगा हुआ हूँ, मैं तो आप आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनी मैसेज टू इंडिया एंड यू जस्ट फॉरगेट दैट आई नो इंग्लिश, मैं तो छोड़ा हूँ। तो राष्ट्र को आज़ाद कराना उनकी पहली स्टेज थी, उनके पास उम्र नहीं थी इतनी, और बस्ती उम्र तो उसको मार ही दिया गया, तो उम्र बाद में बचे नहीं बेचारे। तो वो पहली स्टेज थी, राजनीतिक स्वतंत्रता अंतिम उद्देश्य नहीं था उनका, उनका देश को पूरा परिवर्तन करना, हर जगह से परिवर्तित करना, सामाजिक आर्थिक असमानताएँ, अस्पृश्यता, हजारों पर समस्याएँ हैं, उन सबको दूर करना। लेकिन उन्होंने कहा पहला स्टेज है, जब तक स्वतंत्र ही नहीं होंगे ये काम कैसे कर पाएंगे, तो स्वतंत्र तो हो पहले। इसलिए उन्होंने कहा स्वतंत्रता के लिए पहले स्वतंत्र हो और सब लोग मिलकर हो, उसके बाद राजनीतिक काम तो होते रहेंगे, चलते रहेंगे, हम करते रहेंगे। तो ये मूल मंत्र है जिसे मैं आपको सब अपनी तरफ से बताना चाह रहा था कि गांधी का महत्व ये है कि उसने एक इतने डाइवर्सिफाइड कंट्री को एक करके एक बहुत बड़ी शक्ति के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार किया और सफलतापूर्वक उस लड़ाई को पूरा किया, और उसके अंतर्गत वो स्वयं सबसे आगे रहे उस लड़ाई में, पीछे नहीं रहे, पीछे से रिमोट कंट्रोल से लड़ाई नहीं चला रहे थे वो, सबसे आगे पहली डंडा वो खुद खाते थे, पहले जेल वो जाते थे, भूख हड़ताल वो करते थे, उसके बाद दूसरे लोग उसको फॉलो करते थे। इतना बड़ा नेतृत्व तो आज देखिए आप, अगर हम आज के बारे में क्या बात करें नेताओं के बारे में, आप देखिए उसमें आज की उसमें नेतृत्व में कितना परिवर्तन है, देश में कितना बदलाव है। आज तो हम सब हमारी पढ़ाई लिखाई इतने पढ़ लिख गए हैं, हमारी लिटरेसी देखो आप तो लिटरेसी 70% 75% है, जिस समय गांधी की बात कर रहे हैं उसमें 10-15% थी, लिटरेसी नहीं थी, लोगों को पढ़ना नहीं आता। आज तो सोशल मीडिया इतना है, आप यूट्यूब पर दिखा रहे हो, 1 मिनट पूरी दुनिया में लोग देख सकते हैं इसको, उस समय क्या था? कुछ भी नहीं था, रेडियो बाद में आया था, रेडियो का उपयोग कर रहे थे, सिर्फ टेलीविजन तो एक दो वीडियो बने थे उनके 1930 के बाद में, उसके बावजूद वो जब कोई बात कहते थे तो पूरी दुनिया में कैसे फैल जाती थी, पूरे देश में कैसे फैल जाती थी, कम्युनिकेशन क्यों होता था? आज तो हम चीखते हैं, वीडियो बनाते हैं यार, सोशल मीडिया बनाते हैं यार, यू उसमें SEO क्या होता है उसमें कहते हैं साहब इसको कैसे नंबर बढ़ाया जाए, लोग देखें, कोई देख ही नहीं रहा, सब अपने अपने बात कह रहे हैं, कुछ सुन ही नहीं रहा, क्योंकि हमारी बात में दम ही नहीं है, हम जो कह रहे हैं उसमें कोई संबंध ही नहीं है, हमारी बात कौन सुनेगा। तो गांधी का व्यक्तित्व इतना महान है कि मैं तो उसको 10 घंटे बोलता रहा हूँ, अभी मैं तो पूरा नहीं हूँ, उससे हम कोई कंपेयर किसी से कर ही नहीं सकते, इसलिए हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि उसकी पूजा करें, उसको आशीर्वाद लें उससे, और सोचें उसमें से कोई 0.005% भी हमें आ जाए तो मेरे ख्याल से हमारा जीवन सफल हो सकता है। इतने कहकर मैं अपना स्थान दूंगा, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर
आपने ठीक कहा कि गांधी जी जो निर्णय लेते थे पूरा देश उस निर्णय को स्वीकार करता था। आज राजनीति में निर्णय लिए जाते हैं लेकिन वो निर्णय जनता पर कितने प्रभावी होते हैं, जनता उन्हें कितनी मानती है, ये तुलना का विषय था। और ये तुलना आज गांधी जी की समझ में आती है, एक बच्चा बच्चा उस बात को समझता है। मैं सर का बहुत बहुत आभार करता हूं और अपने दर्शकों, अपने विद्यार्थियों, प्रतिभागियों को एक बात का शेयर करूं कि आज हमारे बीच में फारूक अफरीदी सर उपस्थित हैं। मैं सर का बहुत बहुत आभार अभिनंदन करता हूं कि सर सीएमओ से हमारे यहां जुड़े। सर अपने व्यस्त समय में से आपने समय निकाला और अभी आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और काम के बावजूद आप हमारे साथ भी जुड़ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत गौरव के पल है। हमें कहीं ना कहीं अंदर से बहुत खुशी हो रही है और इसका शुक्रिया तो अदा नहीं कर सकते, पर यह है कि सर ये आपका आशीर्वाद, हम निःशब्द हैं इस बात को लेके। फारूक सर मैं आपको, फारूक सर सुन रहे हैं? फारूक सर शायद कोई नेट का इशू हो रहा है। जी फारूक सर, आफरीदी जी, जी सुन रहा हूँ। आप फारूक सर आपका अभिनंदन पुनः, और सर आप सीएम साहब का संदेश, कल मैंने एक एप्लीकेशन दी थी, आपने मेरे उस आग्रह को स्वीकार किया, हम सर आपके आशीर्वाद से सब लाभान्वित हों, प्लीज सर। पहले तो मैं अपनी ओर से क्रेडेंट टीवी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि उन्होंने महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आज ये चर्चा का आयोजन किया है। क्रेडेंट के मैं सारे कार्यक्रम करीब करीब देखता रहा हूँ, साक्षी रहा हूँ उनका, और राष्ट्रीय महत्व के इस कार्यक्रम में आपने जब मुझे जोड़ने के लिए बोला तो मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा कि प्रोफेसर नरेश दादी जी जो एक खुद गांधीयन है और गांधी पर अपनी एक पूरी अथॉरिटी है, उन्होंने अपने व्यापक परिप्रेक्ष्य में गांधी को और गांधी जी के आंदोलन को और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हमारे सामने रखा। आज सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि ये सारी चर्चाएं इन मायनों में ज़्यादा अर्थ रखती हैं कि क्या कारण है कि आज आज़ादी के 75 साल हम हो गए उसके बावजूद भी हम गांधी पर सिर्फ चर्चा ही कर रहे हैं, गांधी को हम आत्मसात अभी तक नहीं कर पाए। पिछले 70-75 सालों में हमारा ये प्रयास होना चाहिए था कि घर घर के अंदर गांधी पहुंच जाए। आज जो नारे लग रहे हैं आप देखते हैं, मैं उस नारे पर नहीं जाना चाहता हूँ, घर घर कौन कौन जा रहा है, घर घर गांधी होना चाहिए था। अगर गांधी होता तो आज देश के अंदर ना तो हिंसा होती, ना सांप्रदायिकता होती, ना असमानता का वातावरण होता। ये सब चीजें हमने गांधी को बुला देने के कारण, जैसा उन्होंने प्रोफेसर दादीश ने भी कहा कि हमने गांधी को बुला दिया, हमने गांधी को राजनीति के तौर पर इस्तेमाल किया है, गांधी को अपने जीवन में उतारा नहीं है। आज पूरी दुनिया इस बात को ये स्वीकार करती है कि अहिंसा के आंदोलन को चलाने वाला एक अकेला, एक हार्ड मास का एक वो पुतला, आइंस्टीन ने जिसको लिए कहा था कि एक आइंस्टीन के ऐसा भी एक हार्ड मास का पुतला हुआ था जो जिसको दुनिया कभी यकीन नहीं करेगी, लेकिन ये यकीनन सही है कि भारत को उस हार्ड मास के पुतले ने ही आज देश की आजाद, देश को आज़ाद कराया जिसकी खुली हवा में आज हम सांस ले रहे हैं। हमारे युवाओं को तो मालूम ही नहीं है। आपने बहुत अच्छा काम, जब आप यूनिवर्सिटी में थे वहाँ पर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में, तो प्रोफेसर दादीश ने एक गांधी पर पूरा का पूरा एक पीठ बनाई और बड़ा काम किया। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी भी पहुँचे गए थे और उन्होंने उसका उद्घाटन भी किया था और इतने, और उन्होंने एक सीढ़ियाँ भी बनाई और लोगों तक पहुँचाई। लेकिन इस तरह के काम हर यूनिवर्सिटी में होने की ज़रूरत है। आज गांधी का सिर्फ नाम लेने से काम नहीं चलेगा, गांधी को जब तक जीवन में हम अपनाएंगे नहीं, आप तो मैं तो गांधी जी का बहुत पुराना भक्त हूँ। मैं गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र जोधपुर से जुड़ा हुआ रहा, जहाँ से अशोक गहलोत भी जुड़े हुए थे उस समय जब हम
बस तरुणाई के काल में थे हम लोग, मैं पत्रकारिता कर रहा था, वो भी समाज सेवा में लगे हुए थे, तब से हम गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र जुड़े हैं। लेकिन आज भी देखते हैं कि गांधी शांति प्रतिष्ठानों का जो महत्व है, उस महत्व को जब सरकारें बदल जाती हैं तो उनका महत्व खत्म हो जाता है, जब कांग्रेस की सरकार आती है तो उनको फिर प्रतिष्ठा मिल जाती है। अरे गांधी किसी पार्टी का नहीं था, गांधी ने तो कांग्रेस के नेतृत्व में, उस समय कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, ऐतिहासिक पार्टी थी, तो उस समय उनके नेतृत्व में उन्होंने आंदोलन चलाया। आज जो लोग हमारे बीच में राज कर रहे हैं, उन लोगों का तो एक, जिन्होंने एक अंगुली तक नहीं कटाई, वो आज हमारे बीच में राज कर रहे हैं। तो ये हमारी कमजोरी, हमें इसे माननी चाहिए कि गांधी हमारे बीच में नहीं आया, हमारे दिलों में नहीं पहुंचा, हमारे विचारों को हमने उसको, उनके विचारों को आत्मसात नहीं किया। इसलिए जो गांधी का नाम लेकर के तो आ गए हैं, लेकिन गांधी को एक सफाई तक सीमित कर दिया गया। तो ये गांधी सिर्फ सफाई तक सीमित नहीं, आई सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह, अपरिग्रह का तो आज नाम ही नहीं है राजनीति में, तो लोग आते ही किस लिए है, आप सबको मालूम है, कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारे जो जीवन मूल्य बदल गए हैं, उनको सुधारने की जरूरत है। आज एक बार पुनः गांधी जी को पुनर्स्थापित करने, उनके जीवन मूल्यों को पुनर्स्थापित करने की जरूरत है, तब हमारा देश वास्तव में अहिंसावादी देश, जिसकी पूरी दुनिया के अंदर एक छाप है और गांधी के पीछे हम पहचाने जाते हैं, भारत किसका देश है कि गांधी का देश है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्म दिवस 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाना स्वीकार क्यों किया, ये क्या कारण थे? गांधी कोई छोटा आदमी है? आप गांधी को बहुत छोटा करने जा रहे हैं हम लोग, हम गांधी को भूलते जा रहे हैं। गांधी जी को सिर्फ मूर्ति के 15 अगस्त 26 जनवरी या 2 अक्टूबर को उनको माला पहना करके उनको श्रद्धांजलि दे करके हम इतिश्री कर लेते हैं, ये तो बहुत शर्मनाक बात है। गांधी जी को आज हमारे बीच में स्वाधीनता सेनानी राजस्थान के, वह बहुत अच्छा काम इन्होंने किया राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी ने कि उनकी जीवनियां आज छापी हैं, उनकी जीवनी छोटे छोटे अक्षरों, बड़े बड़े अक्षरों में, छोटे छोटे बच्चों के बीच में, बल्कि मैं तय कह करता हूँ प्रारंभिक शिक्षा जब दी जाए स्कूलों में तो वहाँ पर गांधी जी को पढ़ाया जाना चाहिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाना चाहिए, कॉलेज में पढ़ाया जाना चाहिए। ये प्रयास वो कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में शायद वो बताएंगे आपकी कि उन्होंने गांधी जी के लिए क्या क्या, गांधी जी के विशेषांक उन्होंने निकाले, बुनियाद, हिंदी बुनियाद का उनका अंक बहुत ही बहुत वढ़ेरा, गांधी जी के 100 वर्ष पूरे होने पर तो 150 वर्ष पूरे होने पर तो सबने निकाला, सबने काम किया, लेकिन इसको निरंतर करने की जरूरत है, ये एक अनवरत प्रक्रिया के रूप में हमें अपनाने की जरूरत है। बहुत ही मुझे बहुत खुशी होती है कि प्रोफेसर दादी इस दिशा में निरंतर लगे रहते हैं और इनके व्याख्यान पूरे देश में और देश से बाहर भी एक एक्सपर्ट के रूप में जब जाते हैं तो ये गांधी जी को जरूर याद करते हैं, गांधी जी की विचारधारा को फैलाने का जो काम कर रहे हैं, मैं इन्हें साधुवाद देता हूँ और क्रेडेंट टीवी को आज इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर आज इस तरह की वेबिनार का आयोजन किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को जब मैंने बताया कि ये क्रेडेंट टीवी इस प्रकार का एक आयोजन कर रहा है तो आपका माननीय का संदेश अगर मिल जाए उनको तो वो उस मौके पर सारे हमारे दर्शकों और पाठकों और शुभ चिंतकों और जो भी सुनने वाले हैं क्रेडेंट टीवी को, उन हजारों लोगों तक वो बात, आपका संदेश वो पहुंचाना चाहते हैं, तो उन्होंने सहर्ष इसकी स्वीकृति दी और मैं उनका संदेश आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जो ये संदेश, पहले तो मैं बता देता हूँ कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश है। बहुत बहुत आभार सर, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि 75वें स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या 14 अगस्त 2021 को क्रेडेंट टीवी और जयपुर पीस फाउंडेशन के तत्वावधान में महात्मा गांधी एवं राष्ट्रीय आंदोलन विषय पर राष्ट्रीय वेब संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन विषय पर संगोष्ठी का आयोजन अपने आप में महत्वपूर्ण है। इससे पूज्य बापू और उनके मार्गदर्शन में हुए
राष्ट्रीय आंदोलनों के विभिन्न आयामों पर व्यापक विचार विमर्श का अवसर मिलता है। मुझे विश्वास है कि इस संगोष्ठी में विद्वानों के विचार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी के ऐतिहासिक आंदोलन में हमारे महान नेताओं और ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता सेनानियों के अमूल्य योगदान को रेखांकित करने वाले होंगे। मैं क्रेडेंट टीवी के दर्शकों और जयपुर पीस फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को स्वाधीनता दिवस की अग्रिम बधाई देते हुए इस संगोष्ठी की सफलता के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अशोक गहलोत, डॉक्टर राकेश कुमार संयोजक एवं श्री सुनील नानोलिया प्रधान संपादक क्रेडेंट टीवी जयपुर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार सर, अभिनंदन आपका कि आपने हमारी जो बात है, ये चर्चा है, ये माननीय मुख्यमंत्री साहब की तरफ पहुंचाई। इससे बड़ी हमारे लिए बात क्या हो सकती है कि उन्होंने इस चीज़ को सराहा भी है। मैं प्रोफेसर नरेश जदीद साहब को जो सुन रहा था, मुझे लगता है कुछ बातें हैं जो मुझे यहाँ पर रिमाइंड कर देनी बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस चर्चा को आज हम लोग लेके आगे बढ़े हैं। यही थी जी, क्षमा चाहूंगा, दरअसल मेरे यहाँ एकदम से लाइट चली गई। फारूक सर का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन कि आप हमारे साथ जुड़े और अपने अमूल्य समय में से हमें समय दिया और आपने हमारी बात को मुख्यमंत्री साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया। उसके लिए पूरी टीम की ओर से जयपुर पीस फाउंडेशन संस्था, जो प्रोफेसर नरेश दादी जी की अपनी संस्था है, उसकी ओर से, सब दर्शकों की ओर से हम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और साथ में सर आपका आशीर्वाद हमें यूं ही मिलता रहे, इन्हीं आकांक्षाओं के साथ पुनः मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मुख्य वक्ता के साथ एक कड़ी है हमारे यहाँ, प्रोफेसर बजरंग लाल जी सैनी साहब, जो वर्तमान में हिंदी ग्रंथ अकादमी के अभी डायरेक्टर हैं और आप गांधी अध्येताओं में महत्वपूर्ण कद रखते हैं। आपका प्रशासनिक अनुभव राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग को हमेशा मिलता रहा है। मैं ऐसे प्रतिभा के धनी प्रोफेसर बीएल सैनी सर का आभार करता हूं। मित्रों, डॉक्टर बीएल सैनी जी वर्तमान में अभी हिंदी ग्रंथ अकादमी के डायरेक्टर हैं, आप राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हैं, गत 1994 से आप लगातार राजस्थान उच्च शिक्षा सेवा से जुड़े रहे। आप बेहद विनम्र, सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी हैं। गांधी विचारधारा के आप संवाहक हैं, गांधी अध्ययन आपका प्रिय विषय रहा। इसके अतिरिक्त आप प्रशासनिक जिम्मेदारियों को पूर्ण निष्ठा के साथ निभाते आए हैं, निभा रहे हैं। आपके लगभग 15 शोध आलेख और करीब 5 या 7 किताबें आपकी प्रकाशित हैं। इसके अलावा आप कोटा ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा, बीकानेर विश्वविद्यालय, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर एवं उर्दू अकादमी के आप अध्ययन मंडल में जुड़े रहे और आज भी आप राजस्थान सरकार की कई जिम्मेदारियों को आप निर्वहन कर रहे हैं। इसके अलावा आप 2 बार पोस्ट डॉक्टरल फेलो के रूप में आप उच्च शिक्षा में आपने बहुत उच्च काम किया। आप शिमला जो संस्थान है, भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान, वहां से आपने शोध कार्य किया और उन्हीं दौरान आपको फ्रांस, स्वीडन और स्विट्जरलैंड की अकादमिक यात्राएं करनी पड़ी और वो यात्राएं कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में, आपके विचार में और आपके रचना धर्मिता में नजर आती है। ऐसे प्रतिभा के धनी डॉक्टर बी एल सैनी सर का मैं आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सर हमारे प्रतिभागियों को आप अपने उद्बोधन से लाभान्वित करें। प्रोफेसर बी एल सैनी सर। नमस्कार सर, विशेषकर सर को प्रणाम। हमने बहुत कुछ सीखा है गांधी को, इनसे अधिक हमें कोई सिखा नहीं सकता। और जब बड़ा कोई बरगद का पेड़ होता तो छोटा पेड़ वहाँ पनप नहीं सकता। ये बात अलग है कि छोटा पेड़ भी कभी फल देता है, लेकिन गांधी पे जो सर पत्रकारिता है, गांधी चिंतन पर, गांधी विचारों पर और गांधीयन फिलोसफी पर, वो हम कभी भी
उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते। असल में तकनीकी समस्या मेरे यहाँ भी उत्पन्न है, मेरे लैपटॉप पे ये आपका संगोष्ठी नहीं चल रही। हाँ सर, आवाज बहुत तेज है सर मेरी, लेकिन आ नहीं रही है, ये बात अलग है। तो ये कुछ तकनीकी बात दिक्कत है। फारूक जी सर और आदरणीय सर साहब, प्रोफेसर साहब, आप सभी को प्रणाम, और कढ़ाई टीवी को विशेषकर मेरा आभार कि मुझे ये मौका दिया। इस बारे में बहुत अधिक अथॉरिटी मेरी नहीं है, क्योंकि मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विद्यार्थी हूँ। गांधीयन चिंतन में यह जरूर है कि सर के साथ कुछ कुछ सीखने को मौका मिला, सर ने अवसर भी दिया। जब वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में सर कुलपति थे, उस दौरान एक कोर्स डिजाइन कराया सर ने विशेष प्रकार का, गांधी चिंतन पर, गांधीयन फिलोसफी पर, एक डिप्लोमा कोर्स और एक डिग्री कोर्स। उसके अध्ययन मंडल में मुझे भी रखा, मुझे अवसर दिया, कुछ सीखा सर से, और लगातार सीखने का ये सिलसिला हमारा जारी है, और सर के आशीर्वाद से आज हम यहाँ पहुँचे हैं। ये बहुत ही मौका आज का थोड़ा वैसा भी है, दिल भी बैठता है इससे। राष्ट्रपिता का भी दिल बैठा था 14 अगस्त 1947 को, जब भारत, जिस भारत के लिए वो 1916 से लगातार आज़ादी का संघर्ष कर रहे थे, लाठियां खा रहे थे, उपवास कर रहे थे, देश को ये समझा रहे थे कि त्याग क्या होता है। यद्यपि गांधी ने कोई, राष्ट्रपिता ने हमें कोई विचार नए नहीं दिए, हमारी संस्कृति में बहुत ही विद्वान और मनोवैज्ञानिक रूप से विलक्षण प्रतिभा थी राष्ट्रपिता की, ये सब विचार हमारे यहाँ सदियों से प्रचलित थे। अपरिग्रह था, त्याग था, अहिंसा, अहिंसा तो आपने, हमने एक पीढ़ी गुजर गई होगी सर, मेरी इस बात से सहमत होंगे, मैं हमेशा कोट करता हूँ इस बात को कि हमारी माँ पहली गांधी होती है। हमारी माँ, जब हम बचपन में चलना सीखते हैं तो जैसे ही हम गिरते हैं तो गिरते ही वो बोलती, देखो देखो उठो, जल्दी से, चींटी मर गई। चींटी बहुत बड़ी कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि अपराध हो गया हो, लेकिन एक अपराध बोध से हमें अलर्ट करती है कि हम किसी जीव की हत्या नहीं करें, हम अलर्ट हो जाएं, यानी किसी जीव हमसे किसी को कष्ट नहीं हो। तो पहला गांधी हमारा, हमारी माँ होती है, और हमारी माँ ही हमें वो मूल्य सिखाती है जो राष्ट्रपिता ने, जब देश सदियों की गुलामी या दूसरे लोगों के शासन के दौरान उन मूल्यों को खो चुका था, उन मूल्यों को मनोवैज्ञानिक रूप से राष्ट्रपिता ने पहचाना कि वो हमारे यहाँ धरती पर उपलब्ध हैं, हमारी हमारी जो आबो हवा है उसको सूट करती है। और उस समय मैं कल्पना करता हूँ, मैं भी सोचता हूँ, अभी भी सिरहन हो जाती है कि एक इतनी बड़ी सत्ता, आज तो हम गली के जो हमारे से जो ताकतवर आदमी हो उसी को हम हमारा विरोध नहीं कर सकते, ऐसी ताकतवर सत्ता जिसके साम्राज्य का कभी सूर्य अस्त नहीं होता ऐसा माना जाता है, लिखा गया है, उस सत्ता को चुनौती देना, और चुनौती भी कौन दे रहे हैं, चुनौती वो दे रहे हैं असंख्य भारतीय जो दारुण स्थिति में है, जिसके बोलने की क्षमता नहीं है, जिसका पेट खाली है, जिसके तन पर वस्त्र नहीं है, ऐसी स्थिति में ऐसे दीनहीन भारतीयों को ऐसी बड़ी सत्ता के विरुद्ध खड़ा करना, ये वास्तव में ऐसा अलौकिक काम था जो दुनिया के इतिहास में कहीं और ऐसा नहीं मिलता। सर ने जैसा कहा कि बहुत बढ़िया इस क्रियाविधि को परिभाषित किया कि राष्ट्रपिता ने यहाँ संघर्ष, अंग्रेजों से संघर्ष करने से पूर्व पूरे भारत का भ्रमण किया, और भारत का भ्रमण करने के दौरान लोगों को जागरूक किया, लोगों को संगठित किया, लोग कमजोर थे उनको बताया कि एक सेनापति की जो भूमिका सर ने बताई कि वो पीछे रहता है, लेकिन गांधी जी खुद आगे आए। पहला प्रयोग जैसा सब हम लोग जानते हैं चंपारण में इतना आसान नहीं था, ऐसी बड़ी सत्ता के खिलाफ सीधे जाकर टकराना और कहा कि ये नील की खेती यहाँ बंद। परिणाम पता होने के बाद भी आप कानून तोड़ रहे हैं, और आपका इतना बड़ा नैतिक बल कि आप सीधे मजिस्ट्रेट के सामने जाके कह रहे हैं कि आप मुझे जेल भेज दीजिए, आप जेल भेज दीजिए मुझे, मैं ये कानून अन्यायपूर्ण है, इसका विरोध करूँगा। ये विरोध ही नहीं करूँगा बल्कि अगर मेरे साथ जो भी लोग देंगे वो भी विरोध करेंगे। उसी समय का एक प्रकरण और भी जिक्र आता है, फिल्म में भी देखिए, रिचर्ड अटेनबरो वाली फिल्म में, कि स्थिति का जो चित्रण होता है भारत की उस समय की, और उस समय हम एक नया सत्याग्रह का आंदोलन, एक नई पीढ़ी एक पूरे भारत को सक्रिय करने की कोशिश में थे, कि जब राष्ट्रपिता वहाँ गए तो लोग इकट्ठा हुए, उसमें से कुछ लोगों को वो जानते होंगे शायद, ऐसा संदर्भ है कि एक महिला आई तो उस घर में 3 महिलाएं थी, जबकि
आई वहां गांधी जी के पास एक महिला, तो पूछा भाई एक ही कैसे आई, तो बोला एक ही साड़ी है घर में, जब मैं घर जाऊंगी तो दूसरी पहन के आएगी। ऐसी स्थिति में जब लोगों के पास मूलभूत आवश्यकताओं की चीजें नहीं थी, उस स्थिति में उन लोगों को ऐसी मनस्थिति में ला देना, इस चीज के लिए तैयार कर देना, वास्तव में अलौकिक बात थी। और आज के संदर्भ में तो हमारे समझ से भी परे हैं, क्योंकि समझ से परे जब तो दूसरे लोग सक्रिय हैं, दूसरे लोग इस चीज को भुला देने के लिए आमदा हैं, क्योंकि उन लोगों को किसी को इस पूरी पीढ़ी, एक जो पीढ़ी अभी जो मुख्यधारा में छाई हुई है, उस पूरी पीढ़ी को ये पता नहीं है कि उस समय का दौर क्या दौर रहा होगा। और दौर आज भी कोई वैसा बहुत अधिक भिन्न नहीं है, ऐसा मानताएं आज भी व्याप्त हैं। आज भी राज वैसे ही शासन कर रहा है जैसा शासन उस समय कर रहा था, बिना किसी को पूछे, बिना किसी की राय लिए, बिना किसी को जाने। आज भी लोग उस माध्यम को ही अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं पूरे देश में कि कैसे अन्यायपूर्ण कानून का विरोध किया जा सकता है, उसमें वही तौर तरीके काम में ले रहे हैं सत्याग्रह के। यानी कि आज 150 साल बाद भी गांधी जी हमारे में जीवित हैं, यद्यपि बहुत कुत्सित ढंग से ये प्रयास लगातार 10 सालों से किया जा रहा है कि गांधी को कहीं ना कहीं समाप्त किया जाए, नए प्रतीकों को पैदा किया जाए। ये प्रतीकों वाली धारणा, गांधी जी ने प्रतीकों वाली धारणा को अपनाया था जरूर, क्योंकि वो हमारे मनोवैज्ञानिक, हमारे समाज के मनोविज्ञान को वो सूट करती है, वो उसको सहज उसके लिए है कि प्रतीकों में हम बह जाते हैं। गांधी जी ने भी प्रतीकों में कोशिश की कि हम एक जगह सत्याग्रह करें। इन्होंने बहुत ही उम्दा जो व्याख्यान दिया, जो अपनी बात रखी, उसका एक बार मैं पुनः यहाँ पे रेखांकित करना चाहूंगा। प्रोफेसर साहब ने एक बात बहुत ही खूबसूरत सी जो कही, मुझे लगता है कि आज के समय में उससे बड़ी बात कोई कही नहीं जा सकती। इन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी ने करीब 1.5 करोड़ के आसपास शब्द लिखे, और एक शब्द भी ऐसा नहीं था जिसमें एक विपक्षी का विरोध किया जा रहा हो। उन्होंने अपनी बात को आगे रखने की कोशिश की कि मैं ये मानता हूं, अगर आपको जमती है तो हम ठीक है, नहीं तो हम अपने अपने रास्तों पर चल सकते हैं। ये कितनी बड़ी बात है, जबकि आज के हालात ये है कि विपक्ष को खत्म किया जाए, दूसरों के सुर को मिटा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं हम लोग उस दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पे समानता, समता खत्म सी हो रही है। गांधी जी की बातों को जैसे प्रोफेसर साहब ने और भी गहराई से समझ जा रहे हैं, तो एक बात मुझे लग रहा है कि बड़ी खूबसूरती से जो आई हमारे सामने कि मुश्किल, आफरीदी साहब हमसे जो कह रहे थे कि आज मुश्किल सबसे बड़ी ये है कि महापुरुषों को सरकारों ने हथिया लिया है, जबकि महापुरुष किसी भी सरकार की बपोती नहीं होते हैं, वो समाज की बपोती होते हैं, वो समय की बपोती होते हैं। और वो एक महापुरुष पे, वो चाहे किसी भी दल का हो, किसी भी मत से रखता हो, लेकिन उसके बावजूद सभी के दिलों में उसके प्रति सम्मान बराबर होना चाहिए। अगर हम लोग चाहते हैं कि समाज समृद्धि बने रहे और समता बनी रहे, तो ये बात हमें प्रोफेसर साहब की माननी चाहिए और उसका अनुसरण भी करना चाहिए। और एक जो मुझे लगता है कि व्यक्तिगत मेरी सोच है, मैं नहीं जानता कि महात्मा गांधी या कोई भी पुरुष, महापुरुष जो भी हमारे समाज से जुड़े रहे हैं, हमारे युग विशेष से जुड़े रहे हैं, वो किसी राष्ट्र के साथ साथ उस समय के थाते भी होते हैं। अगर हम लोग उस व्यक्ति से, और खास करके मैं महात्मा गांधी जी का यहाँ जिक्र करना चाहूंगा, तो महात्मा गांधी जी की बात करूं तो वो व्यक्ति ना हो कि उन्हें विचार की तरह लिया जाए, और व्यक्ति युग की तरह थे, महात्मा गांधी का एक युग था। तो अगर हम अपने युग पे अगर शर्मिंदा हो रहे हैं, अगर हमें लग रहा है कि वो खराब युग था, तो हम भूल रहे हैं कि उसी युग के जरिए हम आज के युग में पहुंच पाए, उस नींव को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं जिसने आज की इस इमारत को खड़ा किया है। तो मुझे लगता है कि हम कुछ भी करें, कम से कम अपने महापुरुषों का अनादर तो ना करें, और कम से कम उन्हें राजनीति में ना घसीटें। राजनीति में घसीटना उन महापुरुषों का भी अनादर है, और उन सभी समय और विश्वास का भी अनादर। मुझे लग रहा है बदन सैनी जी हमारे जुड़ चुके हैं। जी बदन सैनी, कंटिन्यू करें। माफी चाहूंगा, कोई व्यवधान तकनीकी व्यवधान आ गया, कोई पूरी स्क्रीन ही ब्लैंक हो गई थी। जी जी, तो सर इस बारे में ये मुझे सर से भी सीखने को मिला, बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा गांधी को अगर सीखा है तो सर से ही सीखा है। सर के लिपिबद्ध चीज़ों से ही पढ़कर हम इतना ज्ञान प्राप्त कर पाए। यद्यपि आज वो दिवस है जिस दिवस पर राष्ट्रपिता बहुत बहुत ही ज़्यादा दुखी थे,
और अपने आप को बंद कर लिया था, ऐसा जिक्र आता है कई जगह कि वो कभी 14 अगस्त और 15 अगस्त के उत्सव को उस तरह से कभी मनाने की उसमें नहीं थे। कई लोग अब जिस तरह से कुप्रचार करते हैं इस दौर में कि राष्ट्रपिता ने रहते हुए इतना प्रभावी नियंत्रण रहते हुए इतना प्रभावी दखल होते हुए राजसत्ता पर उन्होंने विभाजन होने दिया, वो लोग इतिहास को तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने रख रहे हैं, नई पीढ़ी के सामने। उस समय जिस तरह के निर्णय हो रहे थे, चाहे बेवल योजना हो, बाद में कैबिनेट मिशन की योजना हो, उनमें ब्रिटिशर जो ब्रिटिश सत्ता थी वो खुद ही ये चाहती थी, और हमारे ही जो राष्ट्रीय नेतृत्व में जो उस जैसे सर ने बताया बहुत ऊंचे कद वाले लोग थे उनकी भी कुछ अभिलाषाएं थी, उनमें हम राष्ट्रपिता को दोष दें तो ये कदापि सही नहीं होगा और ये अन्याय होगा उनके योगदान के प्रति कि आज के दिन कम से कम उस बात को याद रखें कि हम विभाजित हुए नहीं, हमें विभाजित झेलना पड़ा। दो ताकतें थी जैसा कि मैंने बताया कि ब्रिटिश सत्ता खुद और मुस्लिम लीग की जो नीतियां थी और कांग्रेस पार्टी की भी, कहीं ना कहीं हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की भी कुछ ऐसी त्रुटियां रही होंगी जिसके चलते हमको ये दिन देखना पड़ा और हमारा जो आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन चला था पूरे देश में और पूरी दुनिया में जिस प्रतिरोध का ये विलक्षण प्रकृति का आंदोलन पूरी दुनिया में जाना जाता है, उसका परिणाम ये हुआ कि हम दो खंडों में विभक्त हो गए। ठीक है, ये नीति को कौन टाल सकता है, लेकिन अब भी चुनौतियां हमारे सामने हैं। चुनौतियां ये हैं कि हम राष्ट्रपिता के बताए मार्ग को भूलते भी जा रहे हैं और संस्थाएं जिन संस्थाओं से मूल्यों का सृजन तो नहीं होता लेकिन जो संस्थाएं दिशा देती है राष्ट्र को, वो संस्थाएं भी इनको भुला रही है। इस अवसर पर मैं बहुत अधिक नहीं बोल पा रहा हूँ, आप सबका अवसर दिया इसलिए आभार, और ऐसे अवसर में फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे। और सर का, अफरीदी साहब का बहुत बहुत आभार कि आप लगातार जुड़े रहे। हम तकनीकी बाधाओं का शिकार कई बार हुए लेकिन आप नहीं हुए, इसलिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार बीएल सर। निश्चित रूप से आपने गांधी जी के सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन, उनकी सत्य, उनके अहिंसा, इन सारे गांधी आचरणों को आपने अपने भाषण में समेटते हुए जो विचार व्यक्त किए, निश्चित रूप से हमारे प्रतिभागी लाभान्वित हुए होंगे। और मैं अपने सभी प्रतिभागियों से एक निवेदन करूं और क्षमा चाहूंगा कि क्योंकि तकनीकी त्रुटियां कई बार ऐसी स्थितियां पैदा कर देती हैं कि व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं होता। हमारे साथ माननीय श्री ओम खानगी जी जुड़ने वाले थे और थोड़ी तकनीकी प्रॉब्लम, और चूंकि उनके पास अजमेर विश्वविद्यालय का भी अतिरिक्त चार्ज है और उन्हें विश्वविद्यालय के कार्य की वजह से निकलना पड़ा और वो बीच में हमसे नहीं जुड़ पाए, उसके लिए मैं, चूंकि सर ने हमें आश्वस्त किया था और उन्हें हमें समय दिया, उसके लिए थानवी सर का भी मैं आभार करूंगा। और इसी के साथ चूंकि यह चर्चा कहीं ना कहीं गांधी जी की उस दौर को याद दिलाती है जिस दौर में हिंसा का बड़ा बोलबाला भी रहा, लेकिन गांधी जी एक अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने अहिंसा के बल के ऊपर पूरे, जैसा कि नरेश सर ने कहा भी कि कैसे क्या कारण रहे कि गांधी जी ने जो निर्णय ले लिया वो निर्णय पूरे हिंदुस्तान को, पूरी देश की जनता को स्वीकार्य होता था। आज कितने ही महापुरुष अपने आप को जो महापुरुष समझते हैं और जनता के ऊपर अपनी बात थोपते हैं, चाहे वो सत्य को लेकर हो, चाहे वो अहिंसा को लेकर हो, चाहे समाज के व्याप्त बुराइयों को लेकर हो, एक ऐसा आवरण उसमें नजर आता है, वो जनता पर प्रभाव नहीं छोड़ पाता, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो बात थोपी जा रही है। गांधी जी बात को थोपते नहीं थे, गांधी जी अपनी पद्धति के साथ जनता के साथ जुड़कर, मैं कल ही एक प्रसंग पढ़ रहा था और माननीय नरेश दादी सर ने कल एक व्याख्यान में कहा भी कि गांधी जी जब एक नदी के किनारे नहा रहे थे और पानी की बाल्टी जब उनसे मंगवाई गई, वो नहाए और नहाने के बाद में जो पानी बचा, अतिरिक्त पानी जो बचा था, उन्होंने अपने
सेवा करने वाले किसी व्यक्ति या सहायक से कहा कि ये पानी वापिस आप नदी में डाल के आइए, तो उस व्यक्ति को ये बात लगी कि यार क्या कह रहे हैं। तो आप ये देखिए, वो व्यक्ति जो उस सरोवर की, उस नदी की एक बूंद का ऋण भी नदी को वापिस देना चाहता है, उनका कहना यह था कि ये बचा हुआ पानी जो है इसके ऊपर किसी और व्यक्ति का भी हक है, उस व्यक्ति के हक को मैं क्यों मारूं। तो ये विचार गांधी जी के बड़े उदात्त विचार थे और इन विचारों की आज हमें बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जिस परिवेश में पूरा हिंदुस्तान और जिस परिवेश में पूरा विश्व अभी तब्दील हो रहा है, चाहे वो युद्ध की बातें हों, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते की बातें हों, चाहे कश्मीर की बातें हों, चाहे सांप्रदायिक समन्वय की बातें हों, चाहे राजनीति में शुचिता की बातें हों, चाहे व्यक्ति के अच्छे आचरण की बातें हों, गांधी जी का आचरण, गांधी जी के विचार, गांधी जी के जीवन पद्धति कहीं ना कहीं हम सब लोगों को प्रभावित करती है और वो पद्धति हम सबको अपनानी चाहिए, क्योंकि गांधी ही एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनको हिंदुस्तान से बाहर सबसे ज्यादा स्वीकार किया गया और आज भी स्वीकार किया जा रहा है। और इन्हीं चर्चाओं को लेके हिंदुस्तान में आज देश भर से इस तरीके के प्रोग्राम भी हो रहे होंगे, और ऐसे प्रोग्रामों से जो सार्थकता निकलती है वो सार्थकता यही है कि जैसे फारूक सर ने कहा कि गांधी जी को जन जन तक पहुंचना चाहिए था, घर घर में पहुंचना चाहिए था। ये घर घर में पहुंचने की बात ही तो गांधी जी की अहिंसा को याद दिलाती है। ये अहिंसा ही तो है जो दो दो रिश्तों में अपनत्व का भाव लेके आती है। मैं अपनी बात को थोड़ा सा समेटते हुए पुनः प्रश्नोत्तर की ओर आ रहा हूं। सर, एक सज्जन है अलवर से हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने एक सवाल किया कि आज के जो हालात हैं, उन हालातों में गांधी जी की जो प्रासंगिकता है वो किस रूप में प्रभावित कर रही है, चूंकि एक अन्यत्र एक शक्ति है, एक आवरण है जो गांधी के विचारों को कहीं ना कहीं उसको धकेल रही है, तो इस संदर्भ में, इस रूप में हमें किस रूप में सामने आना चाहिए। प्रोफेसर नरेश दादी सर, ऐसा है कि पहली बात तो सवाल वो पूछे जाने चाहिए जिस पर लेक्चर हुआ हो, ये लेक्चर का टॉपिक नहीं है, तो ये जबरदस्ती का सवाल है। मैं आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन इट जी, अपना सवाल है, जो मैंने बोला उसके ऊपर कोई सवाल हो तो वो पूछे कृपया, तो ये तो बहस का विषय है जी, सबको पता है इसका आंसर क्या है जी। जी ये नहीं, आपने जो सुना हो, अगर भाषण दिया उसको सुना आपने, तो उसमें कोई बात समझ में नहीं आई हो या आपके विचार कोई अलग प्रकार के हो, तो उसमें अगर बात करें तो बेहतर होगा। ये कभी और ये आप कभी ये विषय रख के बात कीजिए कि महात्मा गांधी का आज के संदर्भ में क्या उसकी प्रासंगिकता है, फिर हम इससे बात करेंगे। मेरा दिमाग ने इसलिए बिना, आई एम सॉरी। आभार सर, लगता है कि वो सही बात है। पूरे पूरे इस व्याख्यान में, एक घंटे के व्याख्यान में ये बात निकल के सामने भी आ गई है, और जिन बातों का उल्लेख हम सब ने, आप सब लोगों ने किया। अब हम लोग सुनिए, हमारे हम लोग ट्रेंड है इस मामले में सेमिनारे करने में, तो हमको सिखाया हमारे शिक्षकों ने ऐसा ही है कि जिस बात पे भाषण हुआ हो उसी पर बोलो। है वैसे तो हर आदमी के पास विचार, हर आदमी के पास प्रश्न है, बहुत सारे हजारों प्रश्न है, लाखों प्रश्न है। जी, मैंने जो बोला है मेरे को तो वही आता है, उसमें कोई गलती हो, उसमें कोई सुझाव हो, उसमें कोई आप इम्प्रूव करना चाहे या कोई बात समझ में नहीं आए हो तो उसके ऊपर बात करें। अब ये सवाल ऐसा है कि बिल्कुल जनरल सवाल है, गांधी जी की आज क्या प्रासंगिकता है, ये तो अभी दूसरा विषय है क्या प्रासंगिकता है। बिल्कुल, ये तो अपने आप में एक नई चर्चा को जन्म देता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और गांधी जी इसके ऊपर बात करें अगर कोई सवाल। जी जी जी, लगता है जो बात सर इसको भी और ज्यादा क्लियर करने की आवश्यकता मैं समझता हूँ। मैं भी इतने अथॉरिटी से नहीं बोल पा रहा, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है कि राष्ट्रीय आंदोलन और उसके परिणाम जो हुआ हमारी आज़ादी, उसमें बहुत सारे ऐसे 10-15 साल, दो दशक का ऐसा हमारा राजनीतिक विकास है जिसमें उसमें राष्ट्रपिता की जो भूमिका थी उसको नकारात्मक रूप से ज़्यादा प्रचारित किया जाता है। इस पे जरूर प्रकाश डालने की आवश्यकता और भी है, जो भी इस दिशा में काम हो सकता है। बहुत लिखा भी गया है लेकिन ओवरलैप है चीज़ें, और सही चीज़ें अभी भी सामने नहीं आती।
बहुत बहुत आभार। हाँ सर कंटिन्यू करिए। और कोई सवाल हो तो बताएं। नहीं सर और सवाल नहीं, ये सवाल भी मुझे व्यक्तिगत उन्होंने मैसेज किया, मैंने कहा क्योंकि वो प्रासंगिकता उनको कहीं इस रूप में रही होगी कि आज आज जिस तरीके से राजनीति घर कर रही है, जिस तरीके के विचार राजनीतिक परिवारों में व्यक्त हो रहे हैं, उनको लेके उनका रहा होगा। खैर मैं अब चूंकि अब समापन की ओर हैं और क्रेडन टीवी के जो ऑनर हैं उनके प्रधान संपादक हैं श्री सुनील नारनोलिया जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप हमारे सभी वक्ताओं का, हमारे अतिथियों का स्वागत करें और उनका आभार करें। सुनील नारनोलिया जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राकेश कुमार जी कि आपने इतना सुंदर आयोजन किया और मैं इस बात के लिए आपको बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतने बड़े गुणी जनों को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आए। क्योंकि एक मान्यता मैं पहले भी कह चुका हूं अपने कार्यक्रमों में, मैं हमेशा कहता हूं कि मंच की बड़ी बात ये नहीं होती है कि वो कितना बड़ा है, कितना विशाल है या कितना भव्य है। उसकी मान्यता कहीं या उसका महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि उस मंच से बोलने वाले व्यक्ति कौन कौन है, कि उनके बातों का मूल्य कितना है। और आज मैं अपने आप को ट्रेडेंट टीवी जो मंच अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा है कि इस मंच से प्रोफेसर नरेश गांधी साहब जैसे जो ग्रैंड गांधीन की बात करें उन्होंने अपने विचार रखे, फारूक अफरीदी साहब जैसे व्यक्ति ने अपने विचार रखे, बदरंग सैनी जी ने अपने विचार रखे, तो इस वजह से इस मंच का महत्व तो बढ़ता और ये सारा संभव हो पाया आपके संयोजन से। तो आपके संयोजन को हार्दिक आभार अभिनंदन कि आपने इन जो गुणियों को इन जो कहूँगे आज के मेरे लिए, तो अगर मैं अपने अनुभव की बात करूँ, अपनी उम्र की बात करूँ, तो मेरे लिए महापुरुषों की तरह हैं जो कहीं ना कहीं समाज को और समय को दिशा दे रहे हैं। कि आज जो समाज को दिशा दे रहे हैं वो आने वाले समय के अंदर महापुरुष कहीं जाएंगे। तो आज आपने इनको जोड़ा और इस कार्यक्रम के जरिए हमें जो नई बातें जानने को मिली हैं, जैसे गांधी जी के बारे में नरेश दादी साहब ने इतना खूबसूरत जो विवेचनाएं की हैं, वो 1.5 करोड़ शब्दों वाली बात रही हो, चाहे गांधी जी को आगे रखने वाली बात रही हो, या फारूक अफरीदी साहब की बात रही हो कि अब हमने महापुरुषों को बांट दिया है, चाहे बदरंग सैनी जी की जो बातें रही हो किस तरह से महात्मा गांधी जी ने खुद को कनेक्ट किया हो, ये अपने आप में जो हमने बातें सुनी हैं, लेकिन आज फिर उसे दृढ़ता से जो रखा उसके लिए आप सभी गुणीजनों का हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं। और इस बात के लिए भी कि आपने विश्वास जताया कि ये वो मंच है जिसके जरिए हम अपनी बात रखेंगे तो वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। फारूक अफरीदी साहब का बहुत अभिनंदन कि आपने इस कार्यक्रम को जो किया उसको माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया और ये बताया कि हम लोग कहीं के समाज में एक सामाजिक सरोकार को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा, मैं तो क्या कहूंगा कि हमारे फारूक अफरीदी साहब ने कही, जो नरेश दादी साहब ने कहा, बदरंग सैनी जी ने जो कही, उसी बात को एक बार फिर से दोबारा से रिमाइंड करता हुआ कि हम कुछ भी करें इतिहास में हम महापुरुषों को ना बदलें, क्योंकि सरकारें 5 साल की होती हैं जो हर 5 साल के बाद में बदल जाती हैं, और हर 5 साल में हम अपने महापुरुष बदलते रहे, वो जो जनरेशन इन बदलते दौर से जो जिएंगे उनके लिए बड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाएगी कि वो किसे महान माने और किसे दोगले पनपे या हाशिए में रख दें। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जनरेशन, हमारी पीढ़ियां अपने इतिहास को समझे, उस पर गर्व करें, गौरव करें, तो अपने महापुरुषों की अच्छाइयों को जो उन्होंने हमारे लिए किया है उसको स्वीकार करना शुरू करें। सरकारें बदलती रहेंगी और आप सभी जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे भी यही निवेदन है कि सरकारें बदलती रहती हैं, हर 5 साल में बदल जाती हैं, समय पर विश्वास करें, अपनी अकल पर विश्वास करें, उन लोगों पर विश्वास करें जिन्हें वास्तव में इस बात की अथॉरिटी है कि वो समाज के लिए कुछ कहें। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है कि जहां पर एक ही चाहे गलत ही विचार क्यों ना हो उसे 100 प्लेटफॉर्म से कहा जाता है तो वो मानक सा लगने लगता है, तो उसके लिए जरूरी हो जाती है कि उस सोशल मीडिया और आम जनता के बीच में प्रोफेसर नरेश दादी साहब जैसे, फारूक अफरीदी साहब जैसे, बदरंग सैनी जी जैसे फिल्टर्स लगाए जाएं जो उन चीजों को छान कर समाज तक पहुंचाएं, जिससे कि कहीं ना कहीं समाज में जो कटुता है वो कम हो सके या खत्म हो सके। ये जिम्मेदारी ऐसे ही जो हमारे लीडर्स हैं जिनके हाथ में समय की जो पताका है उनकी बनती है। तो आप सभी गुणीजनों से ये अनुरोध है कि जनमानस की तरफ से, आम व्यक्ति की तरफ से, कि आप हमारा मार्गदर्शन करें और समय समय पर ऐसे आयोजनों के जरिए हमारा ज्ञानवर्धन करते रहें और हमें दिशा निर्देश दें कि हमें आगे किस तरह से बढ़ना चाहिए। सभी दर्शकों का हार्दिक आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं और आप सभी गुणीजनों का आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं कि आपने समय निकाला और इस कार्यक्रम से जुड़े। कल हम 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे, इससे खूबसूरती के साथ मनाएंगे, उसमें प्यार शामिल हो, विश्वास शामिल हो, कुछ भी हो लेकिन नफरत ना हो,
इसी आशा और विश्वास के साथ में कि 75 वर्षगांठ है कि कुछ नया लेके आएगी और हमें कुछ सफल और अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगी। आभार, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत धन्यवाद।